प्रणाम नमस्कार, की हाल चाल? बढ़िया हाथ, हमू बढ़िया छी। और आई फेर हम अपन किचन से ब्लॉग शूट कर रहल छी और अखन टाइम भऽ रहल अछि 7:30। और आई की किचन में बनायब कहै छी, आई के जे छै किछु स्पेशल बनायब। सब कहै छथिन बहुत नीक होइ छै हमर हाथ के, तऽ की बनेबै अंश आई से कनी कहियो तऽ? शाही पनीर। तो आई के हमर किचन से शाही पनीर। और अहाँ सब लाइक शेयर कमेंट करू, साथ में की करो के छे अंश? बेल आइकन जरूर दबावे के छे। हाँ, सब्सक्राइब करना है नहीं भूलब, तो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल के जाके जरूर कर लियो। और अहाँ सबके पता है हमें मैथिली में ही कंटिन्यूस ब्लॉग आबि रहल छै और मैथिली में ही ब्लॉग बना रहल छियै। हमरा मैथिली में ब्लॉग बनेनाइ पसंद है, वीडियोस हम हिंदी, भोजपुरी, बंगाली सब में बनाबै छी, लेकिन ब्लॉग हमर सिर्फ मैथिली में आबैया। तऽ देखियो पीछा में तैयारी भऽ रहल छै, अहाँ सब ब्लॉग में एंड तक बनल रहो, बहुत बड़का ब्लॉग नहीं हो जा रहल है। हम तैयारी केलहुँ, यहाँ प्याज टमाटर सब कटलहुँ हैं, बाकी हैया छथि हमर कैमरामैन प्लस हमर आई के कखन बनते हो देखा के लिए पूरा टाइम वो किचन में रहती। क्या की कैमरा फोकस करो, फोकस करो। आंस के सबसे फेवरेट छे शाही पनीर, हम फास्टिंग में भी बनबै छी बिना प्याज लहसुन के, और आई जे छे प्याज लहसुन ऐड कऽ के बनायब, अहाँ सब एंड तक देखैत रहू, ठीक छे? ओके, आप बने छे से तो बता दियो। तो पहले पनीर काट लै छी हम सब शाही पनीर बनाबे के लिए, और अहाँ सब अपना अकॉर्डिंग पनीर काट सकै छी। आई तो हम बुआ के पसंद के बना रहल छी। तो ये कैसा पे पीस है? हम हमेशा जैसे से अलग अलग टाइप के शेप ट्राई करी छी, कहियो ये तो ट्रायंगल छे दोबारे, तो आई थिंक इसे हम ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में बनाया। और गैस पर असाई मिनी ट्रायंगल छे। हां, गैस पर एक्चुअली हम तेल चढ़ा देंगे। शाही पनीर के बहुत लोग बनावे छथिन ना, तो ओई में जे छै से अहाँ के बिना फ्राई के लिए भी बनाबै छथिन, लेकिन हम हल्का सैलो फ्राई कऽ के बनाबै छियै, नहीं तो वो जे एकटा कच्चा कच्चा पन वाला फ्लेवर रहै छै वो रहि जाइ छै, तो हमरा वो नहीं पसंद है। कते तेल डाललियो से दिखा दिए? हाँ, हल्का सा तेल डाल लै छियै, अतबे एकदम हल्का सा, नॉन स्टिक में तेल डाल के डाललिए। वीडियो में बेसी बुझाइ देते, लेकिन आई में हल्का सा कम तेल बुझाइ छै। हाँ, और जे छै से मीडियम साइज के पनीर देखियो, मीडियम साइज के पनीर छै आई टाइप के, और एकरा जे छै से अहाँ सब जे हैं शेप पसंद है। और आई शाही पनीर के पनीर कनी पैग पैगे रहै छै, आई से बेसी बड़का नहीं। हां, एकरा जे छै हम सब सेलो फ्राई करबे, हल्का फ्राई कऽ के। हमरा मम्मी के देखियो डबल डबल कऽ के काटे छै दिन से जल्दी हो जाए। और हम जे छै से मसाला से छै से से ओ रेडी कर के वो अहाँ सब के आगा देखाबै छी फ्राई करैत करैत। हम सब समय पनीर डाल कऽ जे छै मम्मी पनीर के डाले छथिन एक एक कर। और सारा पनीर के डाल को मम्मी एगो हम डालिए। हाँ, डालू आस्ते से ध्यान रखो, तो सेलो फ्राई करबे हम सब। ये देखियो अब मम्मी एक के साथ डाल ले के सबटा। अब मम्मी एकरा खाए सके बता दे छी जे हम जैसे टमाटर प्याज और लहसुन के एक साथ प्याज लहसुन के और अदरक के एक साथ पिसरिया टमाटर के अलग और काजू के गर्म पानी में भिजा कर बाद पेस्ट बनेबे। आगा अगर देखबे तो अहाँ सबके पूरा पता चल जाए हम अलग टाइप के कनी पनीर बनाबे छी और दू भाजी बनाबे छी, दू तरीका। एकटा प्याज लहसुन के पहिले टाइट कऽ भूजि कऽ पीसै छियै, और एकटा जे छै से मतलब पीस कऽ धोनो कऽ भूजै छियै। तऽ अखन समय कनी कम छै, और आई पप्पा आयल छथिन हमर 4-5 दिन पहिले, तऽ अंश कहल कि मम्मी नाना आयल छथिन तऽ अहाँ शाही पनीर बनाउ, कियाकि अंशो के पसंद छै आओर पप्पो के, तऽ टाइम कम छै तऽ ओहिमे ज्यादा समय लागै छै, तऽ हम एहि तरीकासँ बनाबै छी। अहाँ सबके पूरा ब्लॉगमे हमर तरीका पता चलत, और अहाँ सबके बताबै छी हमर घरके आसपास हमरा घर छै ओ हमर फैमिली मेम्बर, आओर सबसँ बड़का बात अंशके शाही पनीर बहुत पसन्द छै। आ मम्मी एकरा फ्राई करय लेल हिलाबै छथिन, आ देखै थे भाई हल्का हल्का येलो भऽ गेलै है मम्मी, येलो क्या भेलै? हां, येलो क्या भेलै? ओहिमे हम दिन में जे छै ना मछली बनेने छलियै, तो ओहिमे मतलब हल्का सा तेल चलै है, मतलब हल्का सा हल्दी लागल चलै है, तो ओहि वजह से हरे के वजह से छै ना सही कोनो बात नहीं, शाही पनीर तो नीक बनतै ना। हां, ओहि से हल्दी हल्का तो देबे करबे ना शाही पनीर में मोस्ट। हां, तखन ठीक छै, तखन ठीक छै। और अखन हल्का सा फ्राई सब निकाल लेबे, और क्या कि अपना सब ज्यादा घोटाला बना रहे मम्मी कते देर ले फ्राई करे के छे? फ्राई
फ्राई 5 से 7 मिनट में दोनों साइड हल्का हल्का ला लेते हैं, मैं देख रही हूं यहां से तो फ्राई कर रहे हैं। और कढ़ाई में हम ग्रेवी जैसे यहां से कम आदमी लोग बना लो क्यों बना सके छी, हम एक्चुअली 5 से 7 आदमी लोग बना लो छी तो खाली ग्रेवी जैसे 5-7 आदमी हां यदि काई लो वहां रह पहुंचा 7 आदमी हो जाते ही अखन के जो हम कलर चेंज चाहिए अपना या एहन चाहिए पनीर के कलर जना और रेड भेल लई है आई दोनों साइड के एहन पनीर के कलर चाहिए एहन दोनों साइड बस एहन हेते अपना से फटाफट निकाल लेबे पनीर हार्डो नहीं होबाक चाहिए। स्टॉप कर दियो हम तेल गरम हो गए छे अब हम ई सब मसाला एखन ऐड कर रहल छी जेमे हमरा पास ना बड़ा इलायची नहीं है तो हम 4 गो छोटकी इलायची ले लेंगे नहीं तो आ सब जे छे से बड़ा इलायची दुटा और दुटा छोटकी इलायची ले और सूखा मिर्ची और दालचीनी जी और इहो देख लियो कते तेल छे अदबे तेल जे छे 4 चम्मच 4 चम्मच तेल मम्मी ससुई लियो 4 चम्मच तेल आई में छे प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट छे पेस्ट प्याज लहसुन अदरक के खे ओ लाल लाल की छे मम्मी पीछे टमाटर के पेस्ट हमको कर रखनी छे और काजू देखियो हमर गरम कहीं में एकदम बिजली है बुलावा पड़ कॉल भी जावे तक ही दोनों देते तावे तक मैंने स्टॉप अब ये जैसे ना सा हल्का हल्का सा प्याज घोल के छे अब हम सब देखियो काजू के पेस्ट बना ले लिए काजू जैसे अत्ते मतलब अत्ते सारा काजू के यानी कि छोटा कटोरी चटनी वाला कटोरी से एक कटोरी काजू के और पेस्ट बना लिया। और अहाँ सबके एगो चीज बतावे छी आई हम कि कोनो भी रेसिपी जे में दही डालल जाय छे ओइमे धनिया के साथ अगर दही के फैट लेबे तो ओ अहाँ के जे छे से धनिया के दही फाटे नहि छे तो हम सब की करबे कभी दही भ के धनिया के साथ में एकरा एहि तरीका से फैटब और काजू दऽ के कनी काल भुजबे ओकर बाद हम सब दही टमाटर ऐड करबे टमाटर भुजला के बाद में दही ऐड कर दो ठीक छे कि मसाला हमर काजू और प्याज भरल है। अहाँ सबके एगो बात बताबे छी बहुत सारा लोग के मुँह में बहुत रास लोग छथिन मुँह में जिज्ञासा रहै छन जे हमर बहुत रास वीडियो आबैत रहै छै तो हुनका सब लेल स्पेशली ब्लॉग छै जे हम घरों के काज करै छियै खानो बनाबै छियै हमर घरों के लोग सब जे छै से रंग बिरंग के खाना पीना पसंद करै छथिन और खाना के शौकीन छथिन तो अगर अहाँ सब हमर सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स देखे छी तो प्लीज़ ये ब्लॉग में देख लिया जो हम खानों पीना बनाबे छी है और खाए छथिन सब केओ बहुत लोग के मन में सवाल छे खराब सवाल नहीं छे तो हम सोचलूँ क्या नहीं आई कहल जाए ये बात तो अखन हम बना रहल छी तो अहाँ सब देखू और बराबर ब्लॉग देखब तो अहाँ सबके खाना के भी ब्लॉग आयत कि हमारे घर में लोग खाना खाए के बहुत शौकीन छथिन हमू छी और हम बनाबो के बहुत शौकीन छी तो बनेबो करै छी ठीक छै। देखियो ये हल्का सा मतलब काजू देला के बाद हल्का सा एकरा फ्राई करबे एखन ना मैं हल्दी नहीं डाल लिया हालांकि शाही पनीर में जे छै से हल्दी लोग नहीं डाले छथिन लेकिन क्या कि मिथिलांचल के और अपना सबके एकटा ई रिवाज होइ छै बिना हल्दी के नहीं बनाबै छियै खाना तो हम हल्दी ऐड करबे एमे एखन कनी एकर टेक्सचर एक्चुअली हम देखऽ चाहै छियै ओकर बाद हल्दी और कलर ऐड करबे। अब एमे टमाटर ऐड करै छी टमाटर दऽ कऽ एकरा बढ़िया सा हमरा सबके भूजऽ के क्योंकि एखन तक तो हम सब प्याज सबके हल्का हल्का सब चीज से भूजलिए ना और धीरे धीरे जे छै जहन ई भूजा जेतै तहन एहिमे हमसब कलर भी आब ऐड कऽ कऽ तहन भूजैत रहबै तऽ अहाँ सबके असली एकर टेक्सचर पता चलत। हम रिफाइनमे आइ बनेलिए हँ क्योंकि हमर हैंडमेड घी खत्म छलै घरसँ बनाएल जे अपने बनाबै छथिन से भैया तऽ आइ खत्म छलैए तऽ आइ जे छै से मतलब फॉर्च्यून में बनेलो हैं लेकिन अगर अहाँ सब घी में बनाबे छिए तो ओकर ज़्यादा और टेस्ट बढ़िया आबे छै हालांकि फॉर्च्यून में भी बढ़िया रहै छै। ओहिमे अहाँ सब देखे देखे दू रंग के चीज़ छै तो हम दू रंग के चीज़ में जे छै नमक और चीनी दुनू ऐड करै छी शाही पनीर में नमक और चीनी के जे मिक्सचर आबैए ना ओकर जे एकटा फ्लेवर आबै छै बहुत अलग टाइप के फ्लेवर आबै छै मतलब अहाँके समझ में नहीं आयत कि की मतलब की टेस्ट छै ओ एकटा सीक्रेट छै बहुत लोग बिना चीनी ऐड केने भी बनाबै छथिन लेकिन हम जे छै चीनी हल्का ऐड करै छियै बट ओ जे छै जहन मिर्ची गुड़ा सब देबै ना तो ओकर टेस्ट पता नहि चलै छै एकटा फ्लेवर मात्र रहै छै ताहिके लेल। और अब 1 बाय 1 कऽ कऽ देखियौ टेक्सचर केहन देखा रहल यऽ अहाँ सबके ऑलमोस्ट टेक्सचर रेडी छै तो हम जे छै से अब ओहिमे हल्दी और मिर्ची पाउडर सब ऐड करब और हैया मिर्ची अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाललहुँ हँ तो एहिमे कनी ब्लैक पेपर देबे ओकर भी स्वाद आबै छै यानी कि काले मिर्ची तो हम हल्दी हल्का सा शाही पनीर में हल्दी के कोनो ही नहीं छै लेकिन वो हमरा पसंद है तो हम अपन एकटा अलग टेक्सचर बनाबै छी अपन एकटा अलग ओ किछु ने किछु ऐड करैत रहै छी रेसिपी में
तो वो डालो है। और ओकर बाद जे छै से आब हमरा कनी कलरफुल कोनो चीज देखै में बेसी नीक लागैए, तो ओना तो लोग एंड में यानी कि लास्ट में डालै छथिन, एकर हमर दही डालनाइ बाकी है। और हमरा मम्मी के हम बचपन से एवरेस्ट देखलिए हर मसाला खाई, ओना तो अखन मार्केट में राकेश के कैच के बहुत सारा मसाला आबि गेल है, तो अहाँ सब कोनो भी यूज कर सकै छी। हम एवरेस्ट के कलर मिर्चा जे कश्मीरी लाल मिर्च आबैए वो देखियो यूज कऽ रहल छी। और एकरा भैर के डालबै ना तो अगर कलर बहुत नीक है, फूड कलर के अवॉइड करो, फूड कलर बहुत लोग दै छथिन एहिमे, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च हम कनी देर बाद जो मतलब बढ़िया से बुझा जेतै तहन जे छै से ओकरा मतलब वो कलर एकदम इक्वल आइन दै छै। और अपना सब कनी कनी तेल तेल वाला जे रहै छै ना जेना होटल स्टाइल के ओहि लेल बटर के लास्ट में कनी देबै तऽ ओहिसँ। और अखन दही बाकी छै, ई कनी भूजि कऽ एहिमे दही धऽ देबै, ठीक छै। आब हमने दही के और धनिया गूरा देखलिए अहाँ सब, मैंने डाले वो डाल कर और ओकर बाद बाकी मसाला। और टेक्सचर एकदम रेड नहीं दिखाई देत अहाँ सबके, लेकिन हमरा ना ओरिजिनल रेड दिखा रहा है कैमरा और चिमनी के लाइट के वजह से। अब एमे हम सब हल्का सा गरम मसाला ऐड करबे, गरम मसाला, और आप सब चीज़ डाले कर कुक करबे, क्योंकि अब जो है फाइनल स्टेज पर हमर सबके खाना पहुँच गए। और एकदम नाम मात्र कलर मिर्चा, ठीक जहाँ कलर मिर्च नाम मात्र जैसे से काली मिर्ची, काली मिर्ची जे छै से नाम मात्र डालक छै। और ओकर एकटा अलग गोलमरीच के अपना सके पता है ना के अलग एकटा स्वाद आबे छै, तो अलग से एकटा फ्लेवर आने छै ओहि के लेल। और आप बैच के लिए अपन सबके कस्तूरी मेथी अमूल के क्रीम यूज करबे अपना सब लास्ट में, और दही देला के बाद कंटिन्यूस चलावे के छै। नहीं तो जे दही के देलिए देखियो अखन तक अपन सबके ग्रेवी एकदम भी नहीं फटले है, यानी कि एकर जे झोर छै शाही पनीर के से फटले है ना, ओकर कारण ई छै जे एकरा कंटिन्यूस चलायल गेलै है। तो दही डेला के बाद ई खाली ध्यान रखब, दही तै दुआरे लास्ट में डालै छी जहन ऑलमोस्ट सारा मसाला रेडी हो जाए छै, तो ओकरा जे छै से बराबर चलबो पड़ै छै ना, तो बेसी अपना सबके चलबो नहीं पड़े तै के लेल। और शाही पनीर के खासियत ई छै एकरा अहाँ कोनो भी चीज के साथ खा सकै छी, रोटी चावल पराठा जे भी चीज के साथ खाओ, रोटी के साथ मोस्टली नीक लागै छै ओहि के साथ। और हम सब आइ पराठा बना रहल छियै, तब जेकि हम नहि खायब पराठा। और धनिया पत्ता जे छै से अवॉइड कऽ सकै छी, बहुत सारा मौसम मे शाही पनीर एहनो भी बनायल जाइ छै जाहिमे धनिया पत्ता नहि रहै छै, और कस्तूरी मेथी अहाँके हर मौसम मे भेट जायत अहाँ ऐड कऽ सकै छी। और एकटा बात अहाँ देखने हेबै जे हम एखन धनिया पत्ता पहिले डालि देलियै, तऽ एक्चुअली हमरा घर पर धनिया पत्ता नहि पसन्द छै, तो हम एना डालै छी स्टार्टिंग में जो मिल जाए और फ्लेवर भी आबि जाए। हुनकर कहे के मतलब छै जे धनिया पत्ता एना डालियौ जे देखाय नहि बस ओकर स्वादे रहै, तो ओ चीज के हम कनी ध्यान दै छियै। और अखन धनिया पत्ता डाल देलियै, आब अपना सबके बस दू तीन टा चीज ऐड करो के बाकी रहि गेलै। हैया है हमर कस्तूरी मेथी और ओहिके साथ में अमूल क्रीम, एकदम लास्ट में कस्तूरी मेथी और अमूल क्रीम जे छै से डालबै। ग्रेवी हल्का थिक छै, एहिमे दूध ऐड करल जाइ छै, मतलब शाही पनीर इन द सेंस नामे में शाही छै, तऽ ओ चीज समझ सकै छी, तऽ दूधो ऐड कऽ सकै छी। आइदर हमरा बस अमूल क्रीम जे छै ने बहुते छै, तऽ हम सोच रहल छियै हल्का सा आधा कप चाय पीबऽ वाला छै कप, ओहिसँ पानि डाल कऽ और अमूल के क्रीम ऐड करबै लास्ट में, तऽ ओ इक्वल कऽ देतै मतलब ओकर जे अथी छै टेक्सचर जे छै थिकनेस के। क्रीम अगर अहाँ पास कम हुए तऽ दूध के छाली सँ फेट कऽ बना सकै छी एकदम फ्रेश, और हमरा पास अवेलेबल भेट गेला तो हम लो लेलहुँ हैं अखन क्रीम, ठीक छै। और अपन सबके शाही पनीर एकदम रेडी है, अभी हल्का आधा कप पानि दऽ कऽ खौलायब। भैया कहलहुँ ना एक कप से कनी कम डालबै पानि, हम हल्का सा ऐड कऽ रहल छी, और धो कऽ एहिमे पनीर डाल देबै, और पनीर के साथ जे छै से आब ई कनी खौलतै, ठीक छै। बाकी कलर तऽ अहाँ सब देखे रहल छी शाही जेना लागै छै, और जहन क्रीम पड़तै ना तऽ कुछ नहि एते नीक कलर लगतै, आ बाकी स्वाद तऽ जे खेता वएह कहता। ताइमे पनीर के जे छै से अपना सब डुबकी लगा दै छियै, ठीक छै। अब पनीर कढ़ाही मे गेला डुबकी लगाबऽ के लेल, और देखियौ ओकरा कनी हल्का हाथ से पनीर चढ़ायब। और एकटा चीज बताबै छी, मोस्टली बहुत सारा लोग के कोनो भी चीज के जहन पनीर के तरकारी बनाबै छथिन तऽ जे रेडीमेड पनीर होइए ओ ना टाइट भऽ जाइ छै, तऽ ओकरो एकटा सीक्रेट छै, अहूँके अगर कखनो बनाबै छी तऽ पनीर टाइट भऽ जाइए
पनीर के पैकेट सहित अहाँ कनी देर गुनगुना पानि मे अगर राखि देबै ने तो टाइट नहीं है आइ, कियाकि अगर खोल के अहाँ रखबै तऽ ओकर जे दूध वूध वाला छै सब बाहर निकल जेतै, तऽ पनीर के पैकेट सहित जे छै कनी देर ला 5 मिनट बस गरम पानि मे धो दियौ, एकदम सॉफ्ट पनीर भऽ जायत और एना टूटे लागत। तऽ हमर जे छै से अब कनी 5 मिनट खौला दै छियै, ग्रेवी टेक्सचर झाँपके जरूरतो नहि छै कियाकि पनीर के सिद्ध तऽ करबै ने ताहि लेल, और एकरा जे छै हम उतारि लेब और ओहिमे चढ़ा चढ़लेमे अगर अहाँ अजवाइन चाही तऽ अजवाइन को भी एकरा अथी डालि सकै छी, और अन्यथा हम तऽ एहिमे डालि देबै अमूल क्रीम और कस्तूरी मेथी और फेर देखाबै छी। और ई देखियौ गैस पर चढ़ले छै, और एकरा जे छै कसूरी मेथी के अहाँ सबके पता है कभी भी डाला से पहले कनी क्रश कऽ लेबाक चाही, और क्रश कऽ के जे छै से हम हैया देलियै कसूरी मेथी के ना बहुत अच्छा सुगंध आबै छै, और गैस बंद कऽ के क्रीम डाला के छै। ओके गैस बंद भऽ गेल, कसूरी मेथी हल्का डालब हमरा ना ओकर बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन शाही पनीर छै तऽ ओहिमे पड़ै छै तै हम डालै छी। और एकटा इम्पोर्टेंट बात, अमूल क्रीम यदि यूज करी तऽ ओकरा जे छै से फ्रेश हुए तकर ध्यान देबै, और साथ में जे छै से ओकरा कनी हिला के यूज करब, थिकनेस वाला जे पार्ट होइ छै ना ओ देखियौ। ई हमर शाही पनीर रेडी भऽ गेलै, आ पराठा बनायब और जहन सब गोटा खेता तहन पता चलत जे केहन बनलै हँ। सबके पता है हम डाइटिंग स्टार्ट केलियै, तऽ डाइटिंग के साथे कोनो एक्सरसाइज नहि कऽ रहल छियै, बस वॉक कऽ रहल छियै। तऽ हैया अखन हम दुनू गोटा वॉक करबै अपन छत पर, कियाकि मधुबनी मे स्पेस बहुत बेसी नहि छै ता जानिते छी अहाँ सब। हम दुनू गोटा आब एना वॉक करबै, और वॉक करबै अखन, और वॉक कऽ कऽ रोटी बनेबै यानी पराठा और खेबै, ठीक छै। जे छै से पराठा बनेबै, ओना तऽ अंश के रोटीये पसंद छै लेकिन पप्पा के कनी पराठा पसंद छै, तऽ हम जे छै ने पराठे बना ली, और पराठा के आटा अभी अलग सनलहुँ हैं, आइए देख लियो गिट्टी काटि के रखने छी, जमाइन मंगरैल और तेल नून भऽ कऽ तऽ हम पराठा बनायब। और आब कनी लेट भऽ गेल यऽ, दोस्त भाई जे एलै वॉक करऽ चलि गेल छलहुँ, तऽ सर्व करै छी तऽ देखाबै छी अहाँ सबके, ठीक छै। और तहन सबसँ पूछबै जे केहन बनलै यऽ सेहो बात, ओके। पापा केहन बनलै, बौआ आ बौआ कहत असली बात, नीक बनलै यऽ। रोज के तरकारी नीक बनि जाइए ने पापा, ठीके ठाक मने बढ़िया भेलै। आप देवेंद्र के देखियो, सोचथिन देवेंद्र हर रोज के ठीक ठाक बन चाहे के बढ़िया बनले, आइ के बढ़िया बनले गते नीक बनले अपन बनले। आज सब ब्लॉग के पूरा देख लेने छी एना हम उम्मीद करै छी, और देखलिए तो शाही पनीर हमर हाथ के नीक होइ छै तकर सबूत अहाँ सबके पता चलि गेल, और जे छै से हम तो डाइट पर छी तो शाही पनीर नहीं खाय, मतलब कनी मनी सब चीज खा लै छी लेकिन दिन के टाइम में, तो अगर काल दिन के टाइम में टेस्ट करबै, बाकी अखन आइ के जे हमर खाना छै ओ दालि अछि, तो हम दालि पीब मौसरी के दालि, और वएह राति के करै छी, आइ कनी लेट भऽ गेल हमरा तऽ ताहि चलते जे छै। और अहाँ सब ब्लॉग के बहुत रास प्रेम दिअ ताकि हम और ब्लॉग बैक टू बैक आनी, और अहाँ सबके लेल ब्यूटी ब्लॉग भी रिसेंटली जल्दी आना, ठीक छै। और अतेक रास प्रेम दै छी शॉर्ट्स में ब्लॉग में भी दिअ, दिल से धन्यवाद करै छी अहाँ सबके जे अते समय दऽ कऽ अहाँ सब ब्लॉग देखलहुँ ताहि के लेल। और हम बनेलहुँ हैं अपना लए दालि, देखा दियौ कनी दालि, मौसरी के दालि अछि एकदम प्लेन दालि टमाटर धऽ कऽ। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद हमर वीडियो के देखऽ लेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय मिथिला।